डियर व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग, आदाब। इस वक्त हमारे पास ये सुनील शौकीन साहब या नजफगढ़ दिल्ली से आए हुए हैं। हमारे पास ही आए थे जुलाई में, 11/7/22 को आए थे, और उस वक्त इनका शुगर बढ़ा हुआ था, तो फास्टिंग था 249 mg, और ABG था इनका 260, और HbA1c था 10.7, और इनका अल्ट्रासाउंड में वो हीपेटोमिगैली और ग्रेड 1 फैटी लीवर था। तो जब ये हमारे पास, और इनका सीरम बिलिरुबिन भी 2.32 था, एंजाइम्स नॉर्मल थे, तो जिससे ये पता चला कि हिज नॉन केस ऑफ डायबिटीज़ की वजह से लीवर के अंदर इन्फ्लेमेशन हुआ, जिसकी वजह से सीरम बिलिरुबिन का, उसको कहते हैं स्टीटोहेपेटाइटिस। तो हमने ये यूनानी ट्रीटमेंट शुरू किया। शुरू में हमने इनको जो है मॉडर्न मेडिसिन में ग्लूकोनॉन PG2 एडवाइस की थी, लेकिन खुद जो है ये चूँकि पैथोलॉजिस्ट हैं, अपना लैब चलाते हैं, तो इन्होंने वो कहा कि मैं एलोपैथिक नहीं लूँगा। तो यूनानी दवाएँ हमारी शुरू की, और यूनानी में हमारी शुगर ओके है, आर डाइट है, कैप्सूल हेप्टाग्रीन और कैप्सूल शिफाग्रीन, हमने ये दवाएँ, चार दवाएँ इनको एडवाइस की थी उस वक्त, ये लेते चले गए, और उसके बाद में इम्प्रूवमेंट शुरू हो गया। इस वक्त अभी हमारे पास आए हैं, तो इस वक्त एक तो HbA1c जो पहले 10.7% था, अब 7.3 रह गया, यानी नॉर्मल के करीब हो गया। नंबर दो जो LFT है वो नॉर्मल हो गया, जो सीरम बिलिरुबिन बढ़ा हुआ था 2.32 का, अब 1.3 रह गया था, अब ये 1.8 है। तो ये दो चीज़ें, अभी अल्ट्रासाउंड उन्होंने हुआ नहीं जो फैटी लीवर के रेड था, अब ये आपको खुद बता देंगे सुन साहब को, इनको कितना आराम हुआ और क्या दवाई ली। डॉक्टर साहब के पास आया था मैं, तो 10.7 था मेरा HbA1c 7वें महीने में, जुलाई में। उसके बाद डॉक्टर साहब ने जो ट्रीटमेंट दिया तो काफ़ी अच्छा उसका रिजल्ट आया है। अभी मेरा जो HbA1c आ रहा है, मैंने दो बार रिपीट कराया है, 7.3 आ रहा है, एक महीने पहले भी 7.3 था, और अब भी जो कराया है वो 7.3 आया है, तो काफ़ी बेटरिंग से रिजल्ट है। और मैंने एलोपैथी मेडिसिन कोई स्टार्ट नहीं करी, सिर्फ शुगर ओके और आर डाइट जो डॉक्टर साहब ने सजेस्ट की थी, और थोड़ा परहेज किया और वॉक शुरू किया है, तो उससे काफ़ी बेटर रिजल्ट है। तो बाकी सब कुछ स्टेबल है, कोई और इसके अलावा कोई परेशानी नहीं है। तो डियर फ्रेंड, जैसे कि आपको अपने जानने वाले में लोग होगा कि शुगर की दवा महीनों और सालों खाते रहते हैं, लेकिन फिर भी जो है वो इतना इम्प्रूवमेंट नहीं होता जितना कि हम ये देख रहे हैं कि जो हमारे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। ज़बान से तो कोई कम या ज़्यादा कर सकता, लेकिन ये हमारे पास जो है पूरा वो है इनका एविडेंस, इसका ज़रा सा ले लो फोटो इसमें। तो जो डायबिटिक पेशेंट हैं वो अपना परहेज और एक्सरसाइज और यूनानी दवाई लेकर अपनी शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं, और शुगर की वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनसे बच सकते हैं। थैंक यू सो मच।